Water is life, lekin in your life, are you actually following the correct routine for drinking water? शायद आपने दो बार सोचा भी नहीं होगा कि आप कब एंड कितना पानी पी रहे हैं एंड एक्चुअली इसका आपकी बॉडी पे कोई असर भी है या नहीं, क्या खाने के साथ पानी पीना चाहिए या नहीं, या तो आप गलत रूटीन फॉलो कर रहे हैं या इस टॉपिक के बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर इतनी एसेंशियल चीज के छोटे छोटे टिप्स भी अगर आप करेक्ट कर ले तो इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एक छोटे से चेंज से आपकी लाइफ टोटल चेंज हो सकती है, ये आप मेरी बात पे तो बिलीव करेंगे नहीं एंड करना भी नहीं चाहिए। मुझ पे आपके ट्रस्ट के लिए चाहिए हार्ड फैक्ट्स एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। हेलो, आई एम पुनीत, योर फ्रेंडली हेल्थ मिथ बस्टर एंड अ फाउंडर ऑफ फेस एंड मीडिया। टुडे आई एम हेयर विथ माई अनदर वीडियो इन माई मिथ एंड फैक्ट सीरीज। क्या देख रहा है? What are you smelling? I know कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है एंड इस लाइफ में जहाँ इन्फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट वहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप तक ओरिजिनल कॉन्टेंट पहुंचे फास्ट एंड आप उसको फास्ट ही कंज्यूम करें। ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे। बलिये ते मुखड़े ते दिल लल जावे लौंग दा बे लश्कर जान लेना। ओरिजिनल कंटेंट, वाह। सो हर हफ्ते मैं एक एक करके पॉपुलर हेल्थ मिथ उठाता जाऊंगा एंड उस पर वीडियोस बनाता जाऊंगा विद द वेरी क्लियर लॉजिक एंड द एविडेंस एंड साथ में आपको टिप्स भी देता रहूंगा सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट विद दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। एंड ये सब मैं कुछ 10 टू 15 मिनट्स के ब्रैकेट में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा। तो रेडी, लेट्स गो। मतलब सिर्फ 10 मिनट तक ही लड़कियां मेरी चरपी जवानी देखेगी? ये एक ऐसा मिथ है जो हर इंडिविजुअल हर फैमिली का अपना ही सेट है। नहीं चाहिए ऐसी फैमिली, मुझे बायदाद में जटवारा चाहिए। अबे साले, आपने ये जरूर सुना होगा कि काफी लोग ये एडवाइस देते हैं कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। रीजन इस बात का एवरीबॉडी के लिए डिफरेंट होता है। जो सबसे पॉपुलर रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि खाना खाने के साथ पानी पीने से आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन लो हो जाता है। बट एज यूजुअल दिस इज अ कंप्लीट नो। सो बात की एक बात यह है कि खाना खाने के साथ पानी पीने से आपके डाइजेशन में कोई भी असर नहीं होता। हमारे पेट में जूस बनता, बचपन से गलत सिखाया जा रहा है हमको। तभी तो पेट से गुड़गुड़ 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 की आवाज आती है। नहीं नहीं भैया, थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। यहाँ डाइजेस्टिव जूस से मेरा मतलब है एंजाइम्स जो आपके स्टमक में खाने को ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब आगे लेट्स अंडरस्टैंड ये मिथ शुरू कहाँ से होगा। चलो, इस मिथ का ओरिजिन स्ट्रेट आपको आयुर्वेदा में मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 लोगों के 10 तरह के लॉजिक अप्लाई करने की वजह से एक्चुअल ट्रुथ कि मां बहन एक हो गई, नहीं कहना मेरे को इस दुनिया में नहीं जीना मेरे को, 10 लोगों के 10 तरह के लॉजिक अप्लाई करने की वजह से एक्चुअल ट्रुथ बदलते बदलते कुछ छोकरी बन गया। आयुर्वेदा में कहा है कि खाने के साथ ठंडा पानी ना पिए क्योंकि ये आपके स्टमक की अग्नि दैट इज डाइजेस्टिव हीट को रिड्यूस करता है। यह फोकस टेम्परेचर पर है, वाटर पे नहीं। वाह, समझा कौन इन खचरों को। कोई भी कुछ बोल देता है कि आयुर्वेदा में लिखा है और ये लोग मान लेते हैं। इनसे आयुर्वेदा की बुक का नाम भी पूछो ना, वो तक नहीं पता होगा इनको। तुझे पता है आयुर्वेदा की बुक का नाम? आयुर्वेदा की बुक का नाम है आयुर्वेदा। There are 3 books in the Ayurvedic studies. The first one is Charak Samhita, second one is Sushruta Samhita, and the third one is Ashtanga Hridayam. And in tino ke combination ko bolte hain Bharat Tray. I hope you got it, right? Jebba. आयुर्वेदा में कहा है कि खाना खाने के साथ ठंडा पानी ना पिए, पर बात ट्विस्ट होते होते यहाँ पे आके रुकी कि पानी ही ना पिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, राइट?
बट नाउ यू माइट आस्क कि अगर हम फिर भी पानी ना पिए तो भी क्या फर्क पड़ेगा. बट अगेन यू माइट बी गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. इनफैक्ट केरला आयुर्वेदिक सेंटर के एस्टेब्लिश एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद पी नायर ने इस आयुर्वेदिक रूल को साइंटिफिकली प्रूव करते हुए ये कन्फर्म किया है कि खाने के साथ थोड़ा थोड़ा सिप में पानी लेने से एक्चुअली आपको कोई हार्म नहीं है एंड ये आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता वाटर शुड नॉट बी चिल्ड. खाने के साथ पानी इज गुड, नॉट ओनली गुड बल्कि इट इज नेसेसरी. खाते हुए पानी पीने के कुछ बेनिफिट्स आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं. जैसे कि खाते हुए पिया हुआ पानी आपके खाने को लूज और सॉफ्ट बनाता है जिससे आप उसको इजीली चबा लेते हैं एंड निगल पाते हैं. अगर आप कोई ड्राई तरह का खाना खा रहे हैं तो ये आदत आपके खाने को बेवजह आपके गले में अटकने से बचाती है. पानी के साथ खाने के छोटे छोटे पीस आपके स्टमक में ईजिली जाते हैं एंड वो डाइजेशन में आसानी करते हैं. कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए खाने के साथ पानी पीना बहुत नेसेसरी है क्योंकि इससे उनका स्टूल सॉफ्ट होता है. या स्टूल का मतलब ये स्टूल मत समझ लेना, ओके? इसका मतलब होता है ओ, ये तो घूमती भी है. That is correct. मेयो क्लिनिक के डॉक्टर माइकल पिको ने ये मिथ कई बार सुना एंड उन्हें लगा कि इस पर थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करना चाहिए. ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बताया कि खाते हुए पानी पीने पर उसका डाइजेस्टिव जूस पर कोई असर नहीं होता बट इससे फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी जरूर होती है. ये बात लगातार उन्होंने मल्टीपल वेबसाइट और जर्नल में अपने मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू कंफर्म किया. हाल ही में अप्रैल 2019 के वॉशिंगटन पोस्ट में एली क्रीगर ने ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करी कि स्टमक में वॉटर 20 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसका आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे कोई डायरेक्ट असर नहीं होता, विच इज वाई दे कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन द डाइजेशन ऑफ द फूड विथ और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर. जब डॉक्टर पिको एंड एली क्रीगर ने अपने अपने एंगल से इस मिथ को स्टडी किया एंड अपनी ऑब्जर्वेशन पब्लिश की तो इट ऑल्सो इंस्पायर्ड डॉक्टर ब्रेडन कुओ टू फर्दर इम्प्रूव ऑन देयर ऑब्जर्वेशन. उन्होंने इस बात को फर्दर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वाटर व्हेन टेकन विद अ मील कैन हेल्प इन डाइजेशन, पर यह वाटर का रोल सिर्फ खाने को ब्रेक डाउन एंड स्वेलो करने पे ज्यादा है. वाटर का रोल आपके स्टमक में डाइजेशन के लिए बहुत ही मिनिमल है. वाटर उस वक्त आपके स्टमक में रहे भी तो आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि एक्स्ट्रा एसिड्स एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लेती है ताकि वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके. उस वक्त वाटर का कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं होता एंड कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं होता टू योर डाइजेस्टिव प्रोसेस. अब आप ये समझिए कि खाने के साथ सिर्फ पानी ही ले ये भी नेसेसरी नहीं है. आप कोई भी लिक्विड साइड डिश ले सकते हैं जैसे कि छाछ, सूप, दही या लस्सी. वोडका भी चलेगा? ये भी आपके खाने को स्वेलो करने में उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि प्लेन वाटर. बट प्लेन वाटर में ये डिफरेंस होता है कि उसकी कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं होती तो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होगी. इसके बाद लॉरेन रिची ने इंफॉर्मेशन के इस ट्रेंड को फर्दर प्रूव करते हुए ये कंफर्म किया कि आप खाने के साथ पानी पिए या ना पिए बट चिल्ड्रन शुड ऑलवेज बी गिवन वाटर विद फूड. ये जरूरी है. मुझे बचपन में पानी नहीं दिया गया था, तब कहाँ थे लॉरेन रिची? तभी मुझसे लड़कियां नहीं पड़ती. पानी का खेल था बाबू भैया, पानी का खेल. मतलब आपको क्योंकि बच्चों को खाना निगलने में हमेशा परेशानी होती है एंड खाना उनके गले में अटकने का डर भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चों को हमेशा खाने के साथ पानी जरूर देना चाहिए. बट यहाँ सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को पानी का वॉल्यूम कम दिया जाए ताकि उनका पेट ना भरे एंड वो प्रॉपर अमाउंट में अपना फूड इनटेक कर सके. थैंक यू अब तक इतनी केयरफुली मेरी इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए. तो फाइनल रिजल्ट ये है कि खाने के साथ आपको डेफिनेटली पानी पीना चाहिए. बट मेरे ये क्विक टिप्स प्लीज याद रखें, खाना खाते वक्त पानी का वॉल्यूम कम ले सो डैट आपके फूड खाने का लेवल कम ना हो. एक स्मार्ट टिप यह है कि खाने के साथ पानी स्मॉल वाटर ग्लास में ही ले. पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में ले बट मेक श्योर कि चिल्ड वाटर या ड्रिंक्स के साथ खाना ना खाए. खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर आप थोड़ा पानी पी लेते हैं
तो मेक श्योर कि खाने के साथ पानी तभी पिए अगर आप कुछ ड्राई खाना खा गए तो. प्लीज कीप एंजॉयिंग ऑल ओरिजिनल कंटेंट एंड द चैनल फीड द इडियट. हैव अ ग्रेट डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस चैनल को सब्सिडी करो. गैस सिलेंडर क्या दे. सॉरी आपको याद दिला दूं, वाटर पे पूरी इंफॉर्मेशन फुल कैटलॉग है इन माय बुक. यू कैन गेट द लिंक ऑफ माय बुक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. स्टे सेफ, बी हैप्पी.